तो फाइनली ये चली गई श्रीनगर रेलवे स्टेशन से। तो फाइनली हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन श्रीनगर। ये सामने आप बोर्ड देख सकते हैं, पीछे प्लेटफॉर्म। बडगाम से संगलदान आने वाली ट्रेन श्रीनगर पर पहुंचने वाली है। और ये आप सामने मोदी जी हमारे रेलवे स्टेशन के बाहर। तो मोदी जी के साथ सेल्फी। ये हमारे तो ये हम आ गए रेलवे स्टेशन काजीगुंड पे। और सामने पहाड़, आप देखो जो पहाड़ है, ये जम्मू और कश्मीर डिवीजन को, जो मैंने बोला आपको, अलग करता है। जम्मू डिवीजन को अलग और कश्मीर को अलग। तो अस्सलाम वालेकुम, आदाब, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे व्लॉग में। तो आज हमारा सफर होने वाला है रेलवे स्टेशन सुमड़ से कश्मीर का। टूरिस्ट हम आ जाएंगे कश्मीर। हमने बहुत बार आपको यहाँ सुमड़, संगलदान, खड़ी, बानीहाल, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों के साथ दी, जब ट्रायल हुआ, CRS हुआ, इंजन ट्रायल हुआ, तमाम जो भी चीज़ें हमने आप लोगों को दिखाया। लेकिन आज हम पहली बार जा रहे हैं कश्मीर एज अ टूरिस्ट। मेरे साथ मेरा दोस्त भी जम्मू से आ रहा है, हक नवाज मलिक। उसका भी YouTube चैनल है हक नवाज मलिक व्लॉग। तो वो और मैं आज साथ में जाएंगे कश्मीर। वो संगलदान से आ रहा है, तो मैं सुमड़ से ट्रेन में बैठ करके हम कश्मीर का सफ़र करेंगे। तो ट्रेन अभी आने वाली है, हम टिकट करवाएंगे। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, बारिश हल्की हल्की सी हो रही है, आप देख सकते हैं बादल वगैरह ऊपर, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। इस हिसाब से मुझे लगता है कि कश्मीर में बर्फ़ होगी, और कश्मीर में बर्फ़ होगी तो हम आपको ज़रूर वो नज़ारा दिखाएंगे। तो जो इलेक्ट्रिक ट्रेन जिसमें हम जाएंगे, उसमें विंडोज़ हैं, जो गिलास भी हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, बाहर से जाली लगी होगी। और बाहर का जो सीन कैप्चर हमें करना है वो दरवाज़ा खोल के करना होगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होगी। तो चलते हैं, अभी ट्रेन आने वाली होगी तो हम टिकट वगैरह तब तक करवाते हैं। मौसम भी आज ख़राब हो रहा है, आप देख सकते हैं बादल ऊपर, और सामने का नज़ारा, ब्रिज का नज़ारा आप देख लो भाई साहब। ट्रेन गई संगलदान से सुमड़ की ओर, अब हम इसमें बैठ के कश्मीर जाएंगे, कश्मीर का सफ़र करेंगे। वो देखो हमारा व्लॉगर हक नवाज। हेलो हक नवाज। फाइनली हम गाड़ी में बैठ गए और हमारी ट्रेन कश्मीर की ओर जा रही है। सामने टनल T50, जो कि इंडिया का सबसे लंबा रेलवे टनल है। इससे पहले जो टनल था वो था पीर पंजाल टनल, जो जम्मू और कश्मीर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जम्मू डिवीजन को अलग और कश्मीर को अलग। लेकिन उसका रिकॉर्ड इस टनल T50 ने तोड़ दिया। ये 12.75 किलोमीटर आप देख सकते हैं, अभी तक का सबसे लंबा रेलवे टनल यही है। इससे पहले पीर पंजाल वाला टनल, वो भी हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए, तो ये है रेलवे स्टेशन खड़ी, सामने बोर्ड देख सकते हैं। तो ये हमारी ट्रेन जो अभी खड़ी पहुँची है, संगलदान 7:25 पे निकली थी, सुमड़ 8 बजे पहुँची, और 20 मिनट इसको यहाँ तक पहुँचने में लगे। तो हमें बहुत ज़्यादा है, जब भी आप ट्रेन संगलदान से बानीहाल की और सफ़र करोगे तो ये आपका कंपलसरी है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टनल के अंदर धूल बहुत ही ज़्यादा है। ये हमारा पहला सफ़र आज संगलदान से कश्मीर की ओर होने जा रहा है। बहुत बार हमने आप लोगों को दिखाया है, ट्रायल वगैरह CRS जो भी था वो हमने आप लोगों को दिखाया, लेकिन आज हमारा पहला सफ़र एज अ टूरिस्ट कश्मीर की ओर। ये आ गया रेलवे स्टेशन बानीहाल, और सामने आप तिरंगा देखो भाई, इतना ज़बरदस्त खूबसूरत लग रहा है। तो फाइनली गाइज हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन बानीहाल पर, ये आप देख सकते हैं। यहां से हमारा जो सफ़र है वो कश्मीर की ओर है, आप देख सकते हैं ट्रेन हमारी जा रही है कश्मीर की ओर। फाइनली गाइज हम जा रहे हैं कश्मीर की ओर, और सामने जो पहाड़ी आप देख रहे हैं पीर पंजाल, ये जम्मू और कश्मीर डिवीजन को अलग करती है। हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है ना, हाथ सुन पड़ गई। काजीगुंड आ गया, बानीहाल के बाद जो नेक्स्ट स्टेशन काजीगुंड, हम रेलवे स्टेशन काजीगुंड पर पहुंच गए। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, कश्मीर में ठंड बहुत ही ज़्यादा है। तो ये हम आ गए रेलवे स्टेशन काजीगुंड पे, और सामने पहाड़, आप देखो जो पहाड़ है,
ये जम्मू और कश्मीर डिवीजन को जो मैंने बोला आपको अलग करता है, जम्मू डिवीजन को अलग और कश्मीर को अलग। ये सामने पहाड़ आप देख सकते हैं और बर्फ। अभी हमारी ट्रेन कश्मीर की ओर वापस जा रही है। तो फाइनली हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन श्रीनगर। ये सामने आप बोर्ड देख सकते हैं, पीछे प्लेटफॉर्म। तो वो मज़ा नहीं आया जो फील हम डालना चाहते थे व्लॉग में, वो मज़ा नहीं आया। ठंड बहुत ज़्यादा थी, जो ही हम दरवाज़ा खोलने लगे तो यहाँ के लोकल्स वगैरह जो है फिर से बंद करने लगे। मतलब जिस जो फील हम डालना चाहते थे व्लॉग में, जब जो कश्मीर का व्यू नज़ारा हम आपको दिखाना चाहते थे वो नहीं दिखा पाए। रीज़न था ठंड थी, दरवाज़ा खुला था तो हवा बहुत तेज़ अंदर आ रही थी, तो लोकल्स को प्रॉब्लम होने लगी, जिसकी वजह से हमसे जितना हो सका हमने किया। तो अभी आप देख सकते हैं पीछे हमारी ट्रेन आ रही है या बडगाम बारामूला वगैरह जा रही है। तो ये रेलवे स्टेशन श्रीनगर से बडगाम बारामूला की जानिब जा रही है। इलेक्ट्रिक ट्रेन है बिल्कुल, बहुत आवाज़ वगैरह इसमें कुछ नहीं आती है। तो फाइनली ये चली गई श्रीनगर रेलवे स्टेशन से बडगाम बारामूला, जो इसका लास्ट बारामूला रेलवे स्टेशन आता है, वहाँ से अब ये 2 बजे निकलेगी वापस। तो ये रेलवे स्टेशन श्रीनगर का आप बोर्ड देख सकते हैं। तो ये मेरे पीछे रेलवे स्टेशन श्रीनगर, फाइनली हम पहुँच गए। वो फील नहीं आया जो हम लाना चाहते थे व्लॉग में, बहुत सारा रीज़न हुआ, पर्सनल रीज़न भी हुआ ठंड की वजह से भी। और ये आप सामने मोदी जी हमारे रेलवे स्टेशन के बाहर। तो मोदी जी के साथ सेल्फी। ये हमारे मोदी जी वाली सवारी गाड़ी बड़गाम रेलवे स्टेशन से चली हुई है। हाँ बड़गाम, ये गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है। चलो जाना गुमान। बड़गाम से संगलदान आने वाली ट्रेन श्रीनगर पर पहुंचने वाली है। उम्मीद है आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। जो कोशिश मैं करना चाहता था व्लॉग में वो मैं नहीं कर पाया। इंशाल्लाह हम वापसी पे एक अच्छी ट्रेन में जाएंगे और पूरा कवर करेंगे। तो अब हम कश्मीर आएंगे, थोड़ा बहुत घूमेंगे डल लेक वगैरह इधर उधर, साइकिलिंग करेंगे, जो भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती है वो हम करेंगे और व्लॉग हम ज़रूर बनाएंगे। तो मिलते हैं कभी किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, आदाब। Yeah!